आप लोग देख सकते हैं, मेरे ख्याल से आप लोग भी मस्त होंगे। और आज के ब्लॉग स्टार्ट करते हैं रक्षाबंधन से। हैप्पी रक्षाबंधन ऑल ऑफ यू, आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे जो भी भाई बड़े भाई छोटे उन सबको मेरी ओर से हैप्पी रक्षाबंधन। और आज के ब्लॉग की हम रक्षाबंधन के दिन से शुरू कर रहे हैं। आप लोग सोचोगे आज का मेरा ब्लॉग आ नहीं रहा है, जो लोग देखते होंगे रेगुलर उनको लगता होगा, और मुझे लगता भी नहीं कि कोई मेरा ब्लॉग देखता होगा करके, इसलिए कह रही हूँ। ये तो जिनका जो फेमस हुए उनका के लिए हुआ कि बोलना कि आज का मेरा ब्लॉग छूटा है ये वो, पर मेरा तो कोई देखता भी नहीं होगा यार, इतना मुझे लगता है। चलो धीरे धीरे ट्राई मारते देखते क्या तो होता है। और आप लोग सोच रहे होंगे कि ब्लॉग आ नहीं रहा था क्योंकि मैं पिथौरागढ़ में हूँ, पिथौरागढ़ में कुछ होता नहीं है। मेरा ये बना रही हूँ मैं जन्माष्टमी का भी, मैं बना सकती हूँ, ये बना सकती हूँ, वो मेरे को कुछ नहीं पता। मेरा ये सत्तो अट्ठों का त्यौहार छूटा और ये रक्षाबंधन का, चलो मैं बना रही हूँ, बना लेती सोचा क्योंकि बन रहा है। दो महीने हो गए में मैंने एक बार मंदिर जाते टाइम एक ब्लॉग बनाया था और दूसरा 15 अगस्त के दिन बनाया था, तब से मैंने बनाया नहीं है। वरना अगर घर होती तो आप लोग घर पर देख सकते हो, मैं रेगुलर तीसरे या उसके दूसरे दिन ब्लॉग बना के डाल देती थी। इस बार ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि इस बार मेरा सितंबर में भी छूटने वाला है, क्योंकि सितंबर में मेरा पेपर है, इसके चक्कर में मैं घर नहीं जा पा रही। मैंने आप लोगों को बताया था मेरे पिछले ब्लॉग में कि मैं घर जाऊँगी करके, पर मैं घर नहीं गई क्योंकि मैं जाने वाली थी, पेपर होने के चक्कर में नहीं जा पाई। ये 20-21 को जाने थी, जाने ही वाली थी, तुरंत ग्रुप में मैसेज आया 21 को ही जाने वाली थी। फिर सोचा अगले दिन चले जाऊँगी, लेकिन 21 तारीख को ही मैसेज आ गया कि आपका प्रैक्टिकल का पेपर है देना है करके 23 को करके, उसके चक्कर में नहीं गई। फिर 28 को था मेरा प्रैक्टिकल जमा करने का, उसके चक्कर में वहाँ भी तब वहाँ गई मैं, वैसे करके मैं घर नहीं जा पाई, इसलिए यहीं रह गई। सितंबर तक तो मेरा ब्लॉग इतना कुछ आएगा नहीं, आएगा तो कभी बीच में एक या दो बार आएगा, अगर शायद होगा कुछ तो तब आएगा, वरना पेपर तो कभी नहीं आएगा। अगर घर पर होती तो रेगुलर दूसरे या तीसरे दिन तो डाल देती हूँ मैं ब्लॉग, वो हो जाता, पर इस बार ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ रहने के चक्कर में दो महीने का छूट रखा है मेरा, बहुत सारे टाइम ब्लॉग का बनाने का सब कुछ छूट रखा है, पेपर के उससे हो रखा है, इसलिए अब देखते हैं आगे क्या होता है करके। और आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज की हम घड़ी है, कहीं जाते नहीं है, भाई भी घड़ी होगा रक्षाबंधन बनाते और आगे का स्वागत अपना काम हम करते हैं, इसका टाइम नहीं मिलता है, काम हम निपटाने का आपसे मिलते हैं तब उसके बाद राखी का देखते हैं। वैसे ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, घर पर ही भाई को ही बातेंगे, हम पेपर रूम पर ही, कहीं जाना है नहीं। अगर जाना होगा तो देखते हैं क्या तो होता है, कुछ प्लान का कुछ पता नहीं चलता है कि कभी भी क्या हो जाता है करके। चलो देखते हैं आगे का, आप अपने ब्लॉग पर बने रहे, देखते हैं क्या होता है करके। किस किस पर खींचेंगे सब, हमारा रक्षाबंधन का शुरू हो चुका है। धागों से बांधा एहसास दिल के रिश्ते का, रिश्ता ये अपना रब की रुबाई। मैं रहूं ना मैं तेरे बिना, तू रहे ना तू मेरे बिना। तो यहाँ पर अपना राखी में बांध रहे हैं और साथ ही साथ राखी भी आ रखे हैं मिष्टी और किट्टू का, जो मामी लोगों ने भेज रखा है उसे भी बांध रहे हैं हम लोग साथ में, और गीता दी का भी आया था उनका भी बांध रहे हैं हम। हमारा राखी का हो चुका है, अब हम लोग बांध रहे हैं, अब दीदी लोगों ने बुला रखा है खाने का, दीदी के वहाँ जाएंगे खाने के, चलो चलते हैं। हमारा रक्षाबंधन का हो चुका है, हमने नाश्ता भी कर लिया है, अपने काम भी कर लिए है, बस पानी भरना बाकी है। अभी हम 1 बजे जाएंगे दीदी लोग के यहाँ, दीदी लोगों ने खाने के लिए बुला रखा है हमें, चलो अब चलते हैं। और हमारा लुक आज का ऐसा है, आप लोग देख सकते हो, मेरी दीदी भी सूट पहन रखा है, मेरा भाई आगे चले गया, अभी दीदी और मैं बाद में एक साथ जाएंगे, चलो अब चलते हैं, वहीं मिलते हैं आपसे। चलो गली तो आप पहुँच गए, अब दीदी लोग यहाँ पहुँचने वाले हैं, आपको वहीं मिलते हैं। अब पहुँच गए हम दीदी लोगों के वहाँ, ये रहा यहाँ से अंदर है, अंदर साइड कमरा है, कितना क्यूट सा टैडी है देख सकते हैं आप लोग, दीदी लोग यहाँ पर हम्म।
हम लोग दीदी लोग के यहाँ पहुँच गए थे। उससे आगे मैंने वीडियो इसलिए नहीं बनाया क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा था, मेरे को नींद टाइप का आ रहा था। हम लोगों ने राखी बांधा, राखी बांधने का खाना खाया, खाना खाने के बाद मैं सो गई थी। ज़्यादा मैंने वीडियो बिल्कुल नहीं बनाया, इतना ही वीडियो बनाया, आप लोग देख सकते हो थोड़ा ही बनाया मैंने वीडियो। और आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म होता है। अभी हम लोग दीदी लोग के यहाँ ही, अभी हम लोग घर जाने वाले हैं। अब क्या बनाओ घर जाके भी, अब सोचा यहाँ पर ख़त्म कर लेते अपना ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म होता है। आप लोगों ने फुल सपोर्ट किया, इतने थैंक यू। और ये शेयर जरूर करना, आपको अच्छा लगे तो कमेंट भी जरूर करना, मुझे अच्छा लगेगा। और सब्सक्राइब जरूर कर देना जो मेरे इस यूट्यूब चैनल में नए आए हैं। आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म होता है, बाय बाय। और अब हम लोग चलते हैं घर की और रूम पर, अंधेरा हो गया है। अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब हम कभी और टाइम ब्लॉग बनाएंगे। आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म होता है, बाय बाय।